हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों, मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डिफरेंशियल लॉग के बारे में। वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे। तो क्या होता है ये डिफरेंशियल लॉग गियर और क्या यूज है इसका ट्रैक्टर में और किस तरह से हम किसान भाइयों के लिए ये लाभदायक है? मैं कहता हूँ लाभदायक नहीं है, ये बहुत ही बचत का एक कह सकते हैं बचत का एक गियर है। तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि डिफरेंशियल लॉग का जो संबंध है वो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टरों से उसके रियर टायर मतलब पिछले टायरों से है। तो इसको समझाने के लिए मैंने ये डंबल का यूज मैं करूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों ये आपके दोनों पीछे के टायर है, समान जब चाल चलते हैं तो ये दोनों टायर घूमते हैं। आप इसे बड़ी ध्यान से देखिएगा जिन भाइयों को डिफरेंशियल लॉग के बारे में नहीं पता। अब क्या होता है जब हम कीचड़ में पडलिंग करते हैं, सबसे ज्यादा यूज इसका कीचड़ में आता है। जब हम कीचड़ में पडलिंग करते हैं, कद्दू बनाते हैं, कीचड़ बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कई बार हमारा ट्रैक्टर ऐसे चलते चलते अचानक ऐसे हो जाता है, थोड़ा खड्डा होता है और थोड़ा सा खाई वगैरह होती है, तो क्या होता है कीचड़ में ऐसे हो जाता है। अब ये जो नीचे टायर फंस चुका है, आप देखिए इसको, अगर ये जो नीचे टायर फंस चुका है, अब ये वाला टायर जो हवा में है ये तो राउंड ले रहा है, ठीक है, ये तो घूम रहा है, लेकिन ये टायर जाम हो गया, ये नहीं घूम रहा। अब क्या करते हैं किसान भाई कि अब कहते हैं हम ब्रेक लगा लेंगे। अगर आप इस टायर के लिए ब्रेक लगाओगे तो ये टायर घूमेगा और इस टायर के लिए ब्रेक लगाओगे तो ये टायर घूमना चाहिए, लेकिन ये टायर तो पहले से फंस चुका है तो ये तो घूमेगा नहीं और आप इस टायर को ही ब्रेक लगा के जाम कर दोगे। तो ब्रेक इसका कोई समाधान नहीं है, ब्रेक लगाकर ये ट्रैक्टर नहीं निकलेगा। अब बताइए अब कैसे निकलेगा? तो दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए यूज आता है डिफरेंशियल लॉग। जब आपका एक टायर घूम रहा है और एक टायर जाम हो चुका है तो उसको घुमाने के लिए आपको डिफरेंशियल लॉक का यूज करना चाहिए। और डिफरेंशियल लॉक आपके ट्रैक्टर में यहाँ पर होता है, आप देख सकते हैं जहां पर मेरी उंगली का निशान है अभी, ठीक है, इसको आप पैरों के साथ दबाइए तो आपके दोनों टायर जो हैं समान रूप से घूमना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, ठीक है। ये थोड़ा भारी है तो दूसरे हाथ में चेंज कर लूं। अब इसका यूज क्या है किसान भाइयों, मैं आपको ये बताता हूं। कई बार क्या होता है कीचड़ में या भारी ट्राली उठाते समय रेत की खदान में हमारा ट्रैक्टर फंस जाता है। अब जब ट्रैक्टर हमारा फंस जाता है तो हम दूसरा ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है हमें टोचन करने के लिए, क्योंकि रीजन क्या होता है एक टायर तो हवा में होता है और एक टायर क्या होता है हवा में, मेरे कहने से मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ऊपर उठा होता है और एक टायर थोड़ा ज्यादा नीचे होता है, तो इस वजह से हम दूसरा ट्रैक्टर लेके आते हैं टोचन के लिए, उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं या किसी की मदद मांगते हैं, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर में अगर डिफरेंशियल लॉक नहीं होता तो, अगर डिफरेंशियल लॉक होता है तो दोनों टायरों को समान रूप से घूमने की ताकत मिलेगी तो टायर आसानी से निकल पाएगा ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ हो चाहे पडलिंग में, कल्टीवेटर के साथ हो चाहे रोटावेटर के साथ। अब इसके यूज की हम बात करें, एक और यूज की बात, तो दोस्तों ये बहुत ही किफायती है। किफायती कैसे है, क्योंकि अगर आप पडलिंग कर रहे हैं रेत की खदान में तो आपको दूसरा ट्रैक्टर मिल जाएगा, लेकिन पडलिंग में दूसरा ट्रैक्टर नहीं मिलेगा, आपको पैसा खर्च कर ही लाना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल लॉग यहाँ पर बहुत किफायती है, 90% डिफरेंशियल लॉग काम करता है, 10% सिचुएशन में बहुत ज्यादा ट्रैक्टर फंस चुका है तब काम नहीं करता। 50 HP से ऊपर तो सभी आजकल कंपनियां देने लगी, लेकिन 50 HP से नीचे डिफरेंशियल लॉग को नहीं देती कंपनियां। तो दोस्तों ये थी बात हमारी डिफरेंशियल लॉग की। अब मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहूंगा अपने वीडियो से कि अगर आप ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं और मेरा ये वीडियो आप देखते हैं तो 10-20 हजार रुपए अगर ज्यादा लगते हैं टॉप मॉडल के लिए, आप 35 HP का 40 HP का ले रहे हैं तो जरूर आप 10,000 या 20,000 इतने पैसे नहीं भी लगते, लेकिन मेरा आकलन मेरा अंदाजा मुझे कह रहा है कि अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो हो सकता है लगते हूँ, तो आप जरूर ट्रैक्टर का टॉप मॉडल लें। रीजन क्या है, डिफरेंशियल लॉग की मांग जरूर करें अपने डीलर से जो आपको वहां पर ट्रैक्टर प्रोवाइड कर रहा है, सेल्समैन या डीलर जो आपके जिले में है आपके एरिया में है उससे जरूर आप लें। उसको कहिए कि मुझे भैया डिफरेंशियल लॉग चाहिए अपने ट्रैक्टर में, क्योंकि दोस्तों इसके बहुत सारे यूज हैं। अगर डिफरेंशियल लॉग आपके ट्रैक्टर में होगा तो कभी भी आपका ट्रैक्टर फंसेगा नहीं, 90% आपका ट्रैक्टर तुरंत निकल जाएगा, आपको लकड़ी लगाने की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ेगी और रेत में भरी खदान में आपको दूसरे ट्रैक्टर से मदद मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, आप कहेंगे कि मैं लाइव वीडियो इसका शूट क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो दोस्तों लाइव वीडियो शूट करने के लिए क्या है ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं फंसाना पड़ेगा और फिर मुझे उसका यूज करके दिखाना पड़ेगा। तो अभी क्या गेहूं का सीजन चल रहा है, अभी तो सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कहीं पर ट्रैक्टर फंसे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े दिनों बाद मैं इसका एक लाइव वीडियो जरूर आपके सामने लेकर आऊँ जो ट्रैक्टर के साथ आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊँ तो आप अच्छे से समझ जाए। तो ये था दोस्तों हमारा डिफरेंशियल लॉग का वीडियो, और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में
अपना कमेंट जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।